Hello everyone, wish you a very very good morning. This is me, Ash Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So as we all know, हम लोग daily basis पे the Hindu का analysis लेते हैं, news analysis. And today we are going to do the same. This is 13th May, Wednesday today, and we are going to take the today's the Hindu news analysis. So हम लोग daily basis पे वो सारी news cover करते हैं जो आपके किसी ना किसी तरीके से GS के पेपर नंबर 2 और 3 के लिए हेल्पफुल होती है. उसी के अलावा हम लोग प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं. अल्टीमेटली आई कैन से इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, दीज न्यूज़ एनालिसिस और दीज न्यूज़ आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट एंड वी कैन टेक टूडेज़ फर्स्ट न्यूज़. दैट इज़ PM अनाउंसेस ₹20 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज. तो आप सभी को पता है कल PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बार फिर से देश को संबोधित किया गया शाम 8 बजे, और उसी में उनके द्वारा जो है लॉकडाउन बढ़ाने की एक संकेत भी दिया गया, लॉकडाउन 4 का संकेत भी दिया गया. उसी के साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि 20 लाख करोड़ का नया इकोनॉमिक पैकेज जो है वो PM ने अनाउंस किया है, और इसके तहत स्पेशल फोकस रहेगा MSMEs, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, इन सब बेसिस पर, या हम कह सकते हैं सेल्फ जो डिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं या लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सब पर फोकस रहेगा, और ये पैकेज उन्हीं के लिए होगा स्पेशली. ओके, इसके अलावा उन्होंने ये भी संकेत दिए कि हम COVID-19 के लिए इस जंग को और आगे बढ़ाएंगे. अतः हम कह सकते हैं लॉकडाउन का जो जिस तरीके से केसेस कंटिन्यूस बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी ये ज़रूरत है कि हम लॉकडाउन को एक्सटेंड करें. लेकिन ये लॉकडाउन अन्य 3 लॉकडाउन से अलग नए रंग रूप के द्वारा पेश किया जाएगा. अर्थात कुछ वी कैन से इसमें कुछ रिनोवेशंस होंगे, कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है मैकेनिज्म होगा जो कि इकोनॉमी को भी बूस्टअप करने में हेल्प कर सके और हमारे रूटीन लाइफ को भी इफ़ेक्ट ना करें. सो और बेसिकली वी आर गोइंग टू, और हम कह सकते हैं वी आर ट्राइंग टू मेक अ नॉर्मलसी, वी आर ट्राइंग टू मेक अ नॉर्मल एटमोसफेयर एट ऑल. सो उसी के तहत सरकार द्वारा ये पैकेज अनाउंस किया गया है, और उसी के साथ में इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की भी बात कही गई है, लॉकडाउन 4 की बात कही गई है. सो दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी फॉर रिटर्निंग NRIs एंड माइग्रेंट्स. आरोग्य सेतु ऐप जो अभी काफ़ी दिनों से काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं आरोग्य सेतु को लेकर, काफ़ी सारे हम कह सकते हैं कि अपोजिशंस झेलने पड़ रहे हैं इस आरोग्य सेतु ऐप को. उसी के अलावा काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज भी देखने को मिल रहे थे, बट नाउ एज ऑफ नाउ हम कह सकते हैं कि NRIs या जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए ये ऐप मैंडेटरी है. मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा, सभी के फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा ये ऐप. इसके तहत आपको COVID-19 से बचाने की एक जो है प्रयास, एक सफल प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, और अपने आप में ये एक बहुत अच्छा ऐप है जो कि आपकी हेल्प करता है COVID-19 से लड़ने में, और आपको ये बताता है कि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई COVID-19 से रिलेटेड या COVID-19 से इफ़ेक्टेड पर्सन है या नहीं, तो उसके लिए हमें किन मापदंडों को अपनाना है. ओके, सो जिस तरीके से आप देख सकते हैं डेटाज, इंडिया के अंदर केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं. इट इज़ 3,604 इन जस्ट वन डे, एंड डेथ टोल जो है अब तक 2,293 हो चुका है. तो अपने आप में एक चिंता का विषय है ये. उसी के तहत सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो NRIs और माइग्रेंट्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने का खतरा बना है COVID-19 का, उनके लिए कंपलसरी है कि वो COVID-19 ऐप को यूज़ करें, उनके फ़ोन में होना चाहिए. होप यू ऑल गेट इट. ओके, सो लेट्स टेक द न्यूज़ एनालिस न्यूज़ नेक्स्ट न्यूज़. दिस इज़ द हिंदू इज़ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया इंग्लिश डेली एंड 4th टाइम इन रो. हम कह सकते हैं
कि द हिंदू जिसका एनालिसिस हम लोग ले रहे हैं डेली बेसिस पे, वो इंडिया का सबसे जल्दी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर बन चुका है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पर जो है आता है। इट हैज़ एडेड 4,61,000 रीडर्स एंड दिस इज़ मोर देन टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर न्यूज़पेपर। इवन आई कैन से कि इट डजेंट अफेक्ट मी कि ये कितने न्यूज़पेपर्स को पीछे छोड़ रहा है एंड ऑल। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट इट, इट इज़ ऑल अबाउट दैट एक न्यूज़पेपर किस लेवल पे किस तरीके से पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए ये एक बता देती हूँ आपको, काफ़ी प्रोटेस्ट होने के बाद में राजस्थान में भी बसेस एंड जो है बसेस और लोकल सर्विसेज जो है माइग्रेंट्स के लिए स्टार्ट कर दी गई है। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर अस, बिकॉज देखिए आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, सो आई कैन से इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। इवन ऑनलाइन लिकर सेल वुड बी फ्रॉड विथ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इश्यूज़। हाई कोर्ट का ये कहना है कि ऑनलाइन लिकर सेल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी या सेफ्टी इश्यूज़ को फ्रॉड करती है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अभी हाल ही में कुछ राज्य सरकारों द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसके तहत ऑनलाइन लेकर्स को सेल करने की डिमांड की गई है। तो अपने आप में ये भी एक चिंता का विषय है कि क्या हमारा ये स्टेप किसी तरीके से देश के लिए हेल्पफुल होगा, इकोनॉमी के लिए, या फिर हमें एक नया इशू हैंडल करना होगा। बिकॉज़ देखिए जिस तरीके से लेकर्स का सेल बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें लगता है कि इस दौर में, इस समय, जिस समय से लेकर्स अपने पीक पर है सेल, तो उस समय सेल के लिए हमें ऑनलाइन सेल के लिए जो डिलीवरी बॉयज़ की या जो है हम कह सकते हैं टीम की आवश्यकता होती है, और टीम की आवश्यकता होना, डिलीवरी बॉयज़ की आवश्यकता होना ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, बिकॉज़ डेफिनेटली जो लाइन में खड़े रहकर और परचेज करने के लिए आ रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर्स ऑनलाइन परचेजिंग पर आएंगे। तो ये कई सारी, देखिए इकोनॉमी बूस्टअप करना एक सेकेंडरी मैटर आता है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट मेजर होता है सिक्योरिटी मेजर्स। और जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी ही है, तो उसके तहत हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी कोई घटना घटित ना हो जिससे कि आने वाले टाइम में कोई भी स्टेप जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आए। और ये भी पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज एनआईटी के डेवलप्स लो कॉस्ट रीयूजेबल फेस शील्ड्स। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, जिसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका ने जो है एक फेस रीयूजेबल फेस शील्ड जो है वो इन्होंने बनाई है, इन्वेंट की है, और इसकी जो लागत आई है वो सिर्फ 12 रुपये की है। तो हम मार्केट में भी बहुत ज़्यादा प्राइजेज में इसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई शीट बनाई गई है जो 12 रुपीज़ कॉस्टिंग पर आई है और फेस शील्ड्स है और रीयूजेबल फेस शील्ड्स है, तो अपने आप में ये भी एक जो है अच्छा इनोवेशन है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हमें करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट विल बी अवेलेबल एट लो कॉस्ट इन मार्केट्स और वेन एवर इट विल बी लॉन्च्ड। ओके, सो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड आई कैन से इनोवेशन ऑफ इंडिया। एज वी ऑल नो हम लोग ऑलरेडी इनोवेशंस में टॉप पे रहे हैं आज तक और रह रहे हैं अभी तक। सो ये भी एक नया इनोवेशन होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके एक्सपोर्ट्स में और इवन लोकल मार्केट्स में भी इसका जो है काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा और काफ़ी यूज़ देखने को मिलेगा, जो कि इकोनॉमी बूस्टअप करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो आपको इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए अच्छे से, यू विल गेट इट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, गेटिंग कैश ट्रांसफर्स आउट ऑफ जेम। व्हाट इट इज़ जेम? दैट इज़ जन धन आधार मोबाइल। देखिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी जन धन खाते के तहत जो है कुछ पैसे 500 रुपये महीने के अकॉर्डिंग और इस तरीके से कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है आम जन को, लेकिन इस आर्टिकल के थ्रू जो है जीन रेजे एंड रितिका खेरा जो है उनका ये कहना है
ये इकोनॉमिस्ट है बेसिकली. ओके, जीन ट्रेजे इज इकोनॉमिस्ट. अकॉर्डिंग टू हिम, हमें जनधन खाते से ऊपर उठकर कुछ नई ट्रेजेडी, कुछ नई सॉरी पॉलिसीज, कुछ नए स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होगा जो कि इकोनॉमी को बूस्टअप करने में हेल्प कर सके. केवल कैश ट्रांसफर करना जनधन खातों के तहत या अन्य ये छोटे मोटे जो हम कह सकते हैं, जो हम प्लानिंग्स गवर्नमेंट द्वारा बनाई जा रही है, उससे उठकर हमें कुछ अच्छा और बड़ा प्लान करना होगा. ओके, इवन हमें कुछ ऐसे इफेक्टिव कैश रिलीफ जो है देने होंगे कोविड-19 के इस क्राइसिस में, जो कि गवर्नमेंट द्वारा एक आम जन के लिए गिफ्ट के रूप में हो. क्योंकि सरकार द्वारा ये जो जनधन खातों के तहत जो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, इनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत लोगों को है, कहीं ज़्यादा रिलीफ फंड्स की ज़रूरत लोगों को है. तो आम जन या हम कह सकते हैं सरकार की ज़रूरत है कि वो इन सब चीज़ों से, इन सब छोटे मोटे जनधन खाते से ऊपर उठकर और कुछ काफ़ी हद तक और अन्य जो है सेवाओं या सर्विसेज हम कह सकते हैं उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करें. ओके, सो यू शुड गो फॉर दिस आर्टिकल. काफ़ी सिंपल आर्टिकल है, अगर आप इसे रीडिंग लेते हैं, रीडिंग के थ्रू आप इजीली इसे समझ सकते हैं. दिस इज़ द नेक्स्ट वन इज़ पेरिलियस स्टेट. सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंशियली सो दैट दे कैन फाइट द वायरस बेटर. आप सभी देख रहे हैं कि हम आज के दौर में आम जन भी सफ़र कर रहा है, लेकिन उसी के साथ में हमने अभी 2 दिन पहले शायद आर्टिकल में डिस्कस किया था कि सरकारें भी काफ़ी सफ़र कर रही है इस चीज़ को लेकर. सरकार कहती है हमें सेंट्रल से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सेंटर कह रहा है हमें सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है राज्य सरकारों से, और आम जन कह रही है कि हमें तो सरकार से ही नहीं मिल रहा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो. तो इस सॉल्यूशन को कैसे जो है किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो देखिए, स्टेट फाइनेंसेस आर इन अ शैम्बल. एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन, दो द डिग्री मे वेरी, हर स्टेट का अपने आप में डिग्री चेंज हो रही है. हर स्टेट जो है अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोविड-19 से, कोई ना कोई एरियाज ऐसे हैं जो कोविड-19 से जूझ रहे हैं. एक ही राज्य के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे, कई ज़्यादा क्षेत्र हैं जहाँ पे कोविड-19 का कहर देखने को मिल रहा है. तो अपने आप में इन सब से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकारों के लिए, और राज्य सरकार अपनी तरीके से पूरी तरीके से कार्य करने की कोशिश कर रही है. द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन हैज़ डील्ड स्टेट फाइनेंसेस अ ट्रिपल वेमी, देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज जैसे कि लेकर सेल्स या स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, सेल्स टैक्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सब से जो भी पैसा आ रहा है, द अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यू. इवन अपने टोटल रेवेन्यू से भी जो हम कह सकते हैं आधा जो अमाउंट है या अकाउंट है उनका, वो भी कोलैप्स हो चुका है. मतलब सब कुछ जितना पैसा उनके पास में एकत्रित था राज्य सरकारों के पास, वो सब कुछ अपने स्तर पे खर्च किया जा चुका है सरकारों द्वारा, है ना. एंड देयर एक्सपेंडिचर सच एज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, और इवन जो उनके एक्सपेंडिचर्स है जैसे इंटरेस्ट ऑन पेमेंट्स, या हम कह सकते हैं सोशल सेक्टर स्कीम्स के लिए जो पेमेंट्स थे, स्टाफ सैलरीज, वो भी बिल्कुल अनचेंज्ड है. क्योंकि उन्हें सरकार के कहे अनुसार, केंद्र सरकार के आदेशानुसार स्कीम्स के ऊपर भी उतना ही खर्च करना है सोशल सेक्टर की, स्टाफ को सैलरीज भी देनी है और पेमेंट्स पर जो इंटरेस्ट है वो भी देने हैं. तो ये सब बिल्कुल अनचेंज्ड हैं. देखिए, इनकम ऑफ सोर्सेज तो चेंज हो चुके हैं, जहाँ से इनकम होती है वो चेंज हो चुके हैं, वो बिल्कुल कम हो चुके हैं, नॉमिनल मात्रा में जा चुके हैं जहाँ से इनकम होती है. जहाँ खर्च होता है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना. तो इस परिस्थिति में राज्य सरकारों की ये कंडीशन आकर खड़ी हो गई है कि उनके पास में पैसा नहीं है अपने राज्य को बेटर कंडीशन में लाने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए. कोविड-19 के अगेंस्ट हमारे पास में, अर्थात राज्य सरकारों के पास में पैसा अवेलेबल ही नहीं है. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वंस सच एज महाराष्ट्र. तो हम ये आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर हम ये कहें कि सारे जो बहुत अच्छे स्तर पर आते हैं, अच्छे स्तर के जो राज्य हैं, जिसमें हम कह सकते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सभी जो है अभी उम्मीद कर रहे हैं सेंटर से सपोर्ट की. सेंटर से फंडिंग होगी, उन्हें एक सपोर्ट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा उन्हें, आरबीआई के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसके तहत उन्हें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा. इस सारी उम्मीद में राज्य सरकार काफ़ी जो है हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा
डिमांड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक उम्मीद जरूर है उन्हें केंद्र सरकार से। एंड द सेंटर हैज़ बीन वॉचिंग साइलेंटली, लेकिन इस दौर में केंद्र सरकार का साइलेंटली बैठे बैठे देखना, चुपचाप से बैठे बैठे सारी सिचुएशंस को देखना, इवन एज सम स्टेट्स हैव गोन अहेड एंड कट सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज, इवन कुछ स्टेट्स ने तो आगे बढ़ के और भी कदम उठाए हैं अपने स्तर पे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कट करना, उसी के साथ में पेंशन जो बेनिफिट ले रहे हैं उनके एक्सपेंसेस को जो है कट करना। इस तरीके से बहुत सारे जो हम कह सकते हैं मेजर स्टेप्स केंद्र राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी वे अभी भी इन सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। इट कुड बी आर्ग्यूड दैट बाई सीकिंग कॉन्सिक्वेटिव एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन विच इम्पोज ट्रेमेंडियस स्ट्रेन ऑन नॉट जस्ट देयर फिनेंसिस बट ऑल्सो दैट ऑफ द सेंटर्स, द स्टेट्स आर रॉन्ग इन देयर अप्रोच। तो अगर सरकार राज्य सरकारें जो है वो अगर ऐसा नहीं करती है, वो सरकार को केंद्र सरकार को इस बात से अवगत नहीं करवाती है कि लॉकडाउन के आगे बढ़ाने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों से वो गुजर सकती है, तो ये अपने आप में एक गलत स्टेप होगा, क्योंकि उन्हें ये ज़रूरत है कि वो केंद्र सरकार को इस बात से अवगत करवाएं। इवन कई सारे राज्यों ने तो लॉकडाउन एक्सटेंड करने की भी डिमांड की है, तो ये डिमांड गलत नहीं है अगर हम देखें कि आम जनता के फायदे के लिए या खुद के राज्य में जनता के फायदे के लिए ये डिमांड गलत नहीं है, लेकिन इस डिमांड से होने वाले परिणामों को भी राज्य सरकारों को सोच लेना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार से फिनेंशियल सपोर्ट ना मिल पाना और खर्चे दिन ब दिन बढ़ते चले जाना, आरबीआई के नॉर्म्स के तहत रूल्स के तहत उन्हें कुछ रिलैक्सेशन ना मिलना, फंडिंग ना होना, लेकिन कंटिन्यूसली एक्सपेंसेस बेयर करना, अपने आप में राज्य सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया है। द फियर इज़ दैट दिस कुड सीड फ्रेश इन्फेक्शन, और इसी के साथ में जो जो हम कह सकते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो लेकर सेल का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जिससे कि सबसे ज़्यादा लेवल पे इकोनॉमी जनरेट हो रही है, तो एक डर, एक फियर ये बन जाता है कि इस तरीके से ये जो लेकर सेलिंग स्टार्ट हुई है, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग या अदर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हुए कंटिन्यूसली डिमांड के बेसिस पर जो है काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इकोनॉमी बूस्ट अप करने के चक्कर में ये एक नया फिजिकल डिस्टेंस, ये हम कह सकते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को ना फॉलो करते हुए एक नए जो वायरस को, नए इन्फेक्शन को जन्म दे दें। द सेंटर इज़ इट सेल्फ नॉट इन अ हैप्पी प्लेस फिनेंशियली। देखिए बात यह है कि हम ये भी जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो भी अभी काफ़ी जूझ रही है फिनेंशियल क्राइसिस से, इवन वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है फिनेंशियली, लेकिन एटलीस्ट ये जो कंडीशन है राज्य सरकारों की, उसके लिए केंद्र सरकार को ही कुछ करना होगा, उन्हें ही ऐसे कुछ जो है प्रावधानों को जो लागू करना होगा, या हम कह सकते हैं ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होगा जिससे कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही अपने स्तर पे नुकसान का सामना ना करना पड़े। फॉर इंस्टेंस इट सॉरी अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ फॉलिंग प्राइस ऑयल प्राइजेस थ्रू इंक्रीज इन ड्यूटीज, कंटिन्यूस ड्यूटीज बढ़ा दी, जैसे पेट्रोल पे 13 रुपीज़ तक और 1 लीटर डीजल पे 16 रुपीज़ तक, तो ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रोक है। इट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग बाय हाफ फॉर दिस फिस्कल, द बर्डन इज ऑन द सेंटर टू फाइंड द रिसोर्सेज टू इमिजिएटली रिलीज द ड्यूज टू द स्टे ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए काफ़ी सारा ड्यूज़ है स्टेट्स के ऊपर, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाने के कारण भी काफ़ी बर्डनाइज हो चुके हैं स्टेट्स, उसी को देखते हुए अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो सेंटर के कंधों पर आती है। अभी एट प्रेजेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स कोविड-19 से होने वाले जो एक्सपेंसेस हैं उनसे भी जूझ रही है, उसी के साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो ये सरकार की ज़रूरत है कि वो फिस्कल डेफिसिट के तहत राज्यों को अभी जो 3% है उससे एटलीस्ट 4.5% तक का जो है प्रॉफिट उन या रिलैक्सेशन दे उन्हें, जस्ट एज इट शुड रिलैक्स इट्स ओन लेवल टू। और इससे इतना राज्य सरकारों का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी रिलैक्सेशन मिलेगा,
द स्टेट शुड एटलीस्ट बी एबल टू बोरो मोर, एटलीस्ट स्टेट जो है वो और ज़्यादा बोरो कर पाएंगे. द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट्स द फ्रीडम टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सेंटर को जो है स्टेट्स को एक आज़ादी भी देनी चाहिए कि वो अपने स्तर पर अपने क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकते हैं और अपने लेवल पर उन्हें एसेस कर सकते हैं. नॉट ऑल स्टेट्स आर इन सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन. देखिए सारे स्टेट्स जो हैं वो वायरस एक ही स्तर पे सभी राज्यों में नहीं फैल रहा है, तो केंद्र सरकार की ज़रूरत है कि वो राज्य सरकार को निर्देश दे कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फैला हुआ है COVID-19 उन्हें छोड़कर अन्य क्षेत्रों के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छे लेवल पे स्टार्ट किया जाए. दिस हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड वाइल प्लानिंग अ फेस लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन. लॉकडाउन का जो फेस है जिसे हम लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसे प्रॉपरली प्लान करने के लिए, उसके दौर में एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए ये ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से सरकार को अवगत करवाया जाए. द ग्रेटर लीवे इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी विल रिलीव सम ऑफ द फिनेंशियल स्ट्रेस नॉट जस्ट ऑन द स्टेट्स बट ऑल्सो ऑन द सेंटर. ये जो रीस्टार्ट करने की इकोनॉमी है, सबसे बड़ा हम कह सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को यदि सपोर्ट दिया जाता है तो वह इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने का, बिकॉज इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने से एक बहुत बड़ी जो है रिलीव जो है उन्हें मिलेगा, रिलीफ मिलेगा. फिनेंशियल स्ट्रेस जिसे हम कह सकते हैं, उससे जो राज्य सरकार जूझ रहे हैं उससे उन्हें एक आज़ादी मिलेगी. उसी के साथ में सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी इनसे काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलेंगे. सो हम कह सकते हैं अगर अभी इस समय राज्य सरकारों को कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत, या हम कुछ कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो है स्टेप्स लेकर के केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो वो केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इन डेलिकेट इम्बेलेंस. ये आप लोग खुद से लेंगे. इट इज़ ऑल अबाउट दी कश्मीर इशू. अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक इशू डिस्कस किया, उसी पर बेस्ड है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आर्टिकल आप खुद पढ़ेंगे जिससे कि आपको कोरिलेट करते हुए सारी चीज़ें समझ में आएगी. हमने अभी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ की बात की थी हमने, वहाँ पर नेट को लेकर इशू हो रहा है 2G एंड सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था, तो उसी को लेकर इस आर्टिकल में बताया गया है. इसे आप खुद से कैरी करेंगे और बहुत इजी आर्टिकल है और समझ में भी आ जाएगा आपको. इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है इटली इंडिया एंड अ कॉमन थ्रेड इन पार्टनरशिप. देखिए ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसके तहत इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करता है. इटली और इंडिया जो है वो अभी सेम कंडीशन में चल रहे हैं, जहाँ हम लोग लॉकडाउन के सेकंड फेज़ में हैं, थर्ड फेज़ में हैं, वहाँ इटली लॉकडाउन के इसी दौर के अंदर सेकंड फेज़ से गुजर रहा है. इसके अलावा इंडिया की तरह ही हम कह सकते हैं इटली भी पूरी, जो हम कह सकते हैं इसकी पूरी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो पूरी बेस्ड है मैन्युफैक्चरिंग पर. ओके, तो ये ज़रूरत है कि वो भी, हम भी वो स्ट्रेटजीज को फॉलो करें जो इटली को कर रहा है. और इटली अगर, और इटली और इंडिया दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से, दोनों कंट्रीज जो है मल्टीलेटरल सिस्टम को फॉलो कर सकती है एक दूसरे के सपोर्ट से, और उनका ये जो सिस्टम है, ये जो एक प्रोसीजर होगा एक साथ कार्य करने का, वो इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ओके, सो अभी हम बात करें तो फिनेंशियल कंडीशन ले लीजिए, या हमारे फेसेस ले लीजिए, या COVID-19 से रिलेटेड जो है सिचुएशंस ले लीजिए, इन सबको देखते हुए अगर हम बात करें तो इटली और इंडिया जो है दोनों ही सेम कंडीशन पर हैं. तो एक ही हम कह सकते हैं थ्रेड पर है, कॉमन थ्रेड से जो है इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है और एक बहुत अच्छे रिलेशंस के साथ में इस पेंडेमिक के दौर से, इस COVID-19 के दौर से गुजरते हुए एक अच्छी इकोनॉमी को बिल्डअप करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं. ये आर्टिकल आप खुद पढ़ेंगे. लेट्स सी कि कितना अच्छा रिलेशन जो है हम में और इटली के अंदर, मतलब हम कह सकते हैं इटली और इंडिया में क्रिएट होता है, और कि जो रिलेशन अभी चल रहे हैं वो किस हद तक और कितने लॉन्ग रिलेशंस के बेसिस पर चलते हैं और कितनी इनकी ज़रूरत है लॉन्ग टर्म रिलेशंस के बेसिस पर, तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले दौर में देखने को मिलेंगी. ये आर्टिकल भी आप खुद से पढ़ेंगे और बिल्कुल इजी आर्टिकल है और
ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट को कवर करता है. ओके, सो यू शुड गो फॉर इट. एंड अभी एट प्रेजेंट इस दौर के अंदर जहाँ हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं, तो इस पेंडेमिक से होने वाले काफ़ी इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं, उसी दौर में एक अच्छे राज्य के, हम अच्छे राष्ट्र से अगर हमारा कोरिलेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र से पार्टनरशिप के बेसिस पे हमारा कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. ओके, सो लेट्स गो थ्रू टुडेज द हिंदू. हमने जो आपको पूरा एनालिसिस आपको भी लेना होगा, और मैंने भी जो है कोशिश की है जितने ज़्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम आर्टिकल्स कवर करने की, और उम्मीद करती हूँ आपको सारे आर्टिकल समझ में आए हैं. और जिन आर्टिकल्स को मैंने इन शॉर्ट बताया, स्पेशली ये दो आर्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ये इनडेलिकेट इम्बेलेंस मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसीलिए यू हैव टू गो थ्रू इट योर सेल्फ. एंड नेक्स्ट वन इज़ इटली इंडिया एंड अ कॉमन थ्रेड इन पार्टनरशिप. ये आर्टिकल भी आप खुद से पढ़ेंगे, और जिससे कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन का जो एस्पेक्ट है वो कवर होगा. ओके, और हमारा थॉट प्रोसेस भी काफ़ी चेंज हो जाता है ऐसे आर्टिकल्स या इंटरनेशनल रिलेशंस या अदर कंट्रीज़ को पढ़ने पर. और हम जो चीज़ें सरकार नहीं देख पाती, या जो चीज़ें अन्य जो है हम कह सकते हैं आर्टिकल्स जो है वो सरकार नहीं नोटिस कर पाती है, वो आर्टिकल्स कई बार हम लोग नोटिस करके हम अपने जीवन में लाने वाले परिवर्तनों के तहत हमारे राष्ट्र का निर्माण में योगदान प्रदान कर सकते हैं. ओके, सो ये आर्टिकल्स पढ़िए, आप इनको समझिए, और समझ कर अपने विचारों को हमारे साथ शेयर कीजिए. आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इन आर्टिकल्स के बारे में, वो हमारे साथ में शेयर कीजिए. यू आर मोस्ट वेलकम. आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप अपने व्यूज़ देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली दे सकते हैं. वी विल बी वेटिंग फॉर दैट. ओके, सो हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय, टेक केयर. वी विल अगेन मीट हेयर बाय टुमारो मॉर्निंग. ओके, बाय बाय.